तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑल राउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। आज चलो आपको घुमाते हैं, शाम को कानपुर की सड़कों का नज़ारा कराते हैं। जैसे कि कानपुर की सड़कें, ये चल रही है कौन सी सड़क? ये है 7 फीट रोड अन्ना चौराया। तो हम लोग चल रहे हैं चंदुआ काशीराम, ठीक है, काशीराम कॉलोनी। आप लोग जैसे जानते हैं जहाँ मम्मी रहती हैं, ठीक है। तो ई रिक्शा चल रहा है, मैं नहीं गई थी, अपने मामा के साथ आयुष पीयूष सब घूमने गए संडे को। तो वही है, शाम के समय तो अच्छा लगता है, घर से बाहर निकलो तो अच्छा लगता। मैं नहीं गई थी, बच्चे गए थे केवल। और ये तो मार्केट है, 7 फीट है कानपुर में, 7 फीट रोड है, उसको मार्केट लगी हुई है, देख सकते हैं। और यहीं पर हम भी आते हैं, दवा लेने आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दुकानें काफ़ी हैं, काफ़ी इधर दुकानें लगती हैं हमारे पास में ही। और देखिए तिरंगा, और कल जैसे कि आप सब जानते हैं 15 अगस्त है, तो यहाँ पर देखिए तिरंगा ही तिरंगा बिक रहे हैं। ये देखिए हमारा भारतीय ध्वज बिक रहा है। और हमारे यहाँ कल 15 अगस्त है, मंडे को पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा कल है, मंगल को है, हाँ मंगल को है, सॉरी मंगल को है, हाँ मंगल को है। हाँ आप अगर कल देखेंगे तो हम कल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा भाई बैठा है गोलू, जिसको विकास भाई कहते हैं, विकास नाम है, हम लोग प्यार से गोलू कहते हैं। और यहाँ पर ई रिक्शा से जा रहे थे, ई रिक्शा से, तो अंधेरा है बहुत, यहाँ लाइट नहीं जलती। और मम्मी की तरफ ना बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला है, और यहाँ पे बहुत खेत वेत भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो कहीं जाना ही नहीं होता, तो बच्चे चले गए थे, मामा आए तो उसके तो लेके चले गए, तो घूमने गए बच्चे, अंधेरा काफ़ी हो गया था, मतलब आप समझ लीजिए 7-7:30 बज रहा होगा, 7 बज रहा था, लेकिन अंधेरा था। और गांव में आप जानते हो, थोड़ा सा गांव एरिया में हो ही जाता है अंधेरा। ठंडी हवा थी, बहुत अच्छा मौसम, अच्छा लगता मुझे उधर, अच्छा लगता जाने में, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। ये देखिए है ना, बहुत प्यारा नज़ारा व्यू। चलते हैं, और चलते रहिए। और ना ये काशीराम जो एरिया है, पहले तो बहुत आउट एरिया था, यहाँ पे रात में लोग आने के लिए 7 बजे के बाद निकलने बंद कर देते थे, डरते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट एरिया था। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो रात में 11, 12 बजे भी लोग आते जाते हैं। यहाँ पेट्रोल पम्प वगैरह भी है, इसी के बाद से कॉलोनी का मोड़ आ जाता है, यहाँ पे सब कुछ है, अभी कोई दिक्कत नहीं। पहले किसी समय पे यहाँ पे लोग आने में घबराते थे, डर लगता था, और जब से ये कॉलोनी का निर्माण हुआ है, सब लोग रहने लगे हैं ना, तब से ना यहाँ पे सब रहते भी हैं, और कोई आउट एरिया नहीं है, और दुकानें भी काफ़ी लग गई हैं। ऐसा ही होता है, कोई भी कॉलोनी बनती है, जब जनता रहने लगती है तो फिर कोई डर नहीं होता, तो पब्लिक रहती है, काफ़ी पब्लिक रहती है, तो काफ़ी दुकानें भी खुल गई हैं, सड़कें भी बन गई हैं, बहुत अच्छा है। और देखिए कितनी दुकानें हैं, शाम के समय रौनक रहती है। तो ये देखिए कॉलोनी का अंदर एंटर कर चुके हैं, अंधेरे की वजह से आपको कॉलोनी नज़र नहीं आएगी, और पुरानी कॉलोनी निकल चुकी है, नई कॉलोनी हम आ गए हैं। और क्या बताएं, वीडियो बस इतना ही था, अंधेरे अंधेरे में आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कभी दिन में तो मैंने दिखाया इससे पहले, यही है, बाकी रात में भी जा सकते हैं काशीराम कॉलोनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया है, ये कॉलोनी मायावती जी ने गरीब जनता को फ्री में दी थी। तो कॉलोनी ये देखिए, आपको कॉलोनी दिख रही है, एक एक
तो वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। बाय बाय, लव यू। जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, मुझसे प्यार करते उनका ख्याल रखो।